नमस्कार बच्चों, आज क्लास नाइन्थ में गुरुत्वाकर्षण का बल यानी कि इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, उसके बारे में जान जाए। सबसे पहले आप जानें गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण का बल ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच वस्तु का द्रव्यमान दूसरे के अपेक्षा अगर बहुत अधिक हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। जबकि किन्हीं दो आगे देखें, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी आप जान गए। अगला क्या कहता है कि जब किसी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं, जबकि किसी वस्तु का वह बल होता है जिसे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जबकि द्रव्यमान जो है वह जान जाए कि अदिश राशि है। द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है। जबकि भार जो है, भार सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है वह क्या है, न्यूटन है। आगे आप जान जाए गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जिसको हम लोग स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण जान जाए कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और उसे हम लोग छोटा जी से इंडिकेट करते हैं। जबकि गुरुत्वीय त्वरण का द्रव्यमान जो है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि यह पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी और पृथ्वी के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। आगे आप जान जाए कि पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर और विषुवत रेखा पर ये दोनों पर जी का मान यानी कि ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वह एक तरह से हम लोग कह सकते हैं न्यूनतम होता है यानी कि बहुत कम होता है। जबकि ध्रुवों पर यानी कि ध्रुव पर वही जी का मान जो होता है वह अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से अगर बहुत ऊपर जाया जा रहा है या पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाया जा रहा है तो जी का मान जो है वह घट यानी कि ऊपर और नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। जी का मान जो है अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहे हैं और पृथ्वी से नीचे यानी कि गहराई तक नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसका मान जो है सो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ठीक जिस प्रकार जी का मान परिवर्तित होता है ठीक उसी प्रकार वस्तु का भार भी स्थान परिवर्तन से परिवर्तित होता जाता है, जिसके कारण एक गुरुत्वाकर्षण का बल जो है हम निम्न तरीकों से भी आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल इतना जो परिभाषा दिया हुआ, डिफिनेशन दिया हुआ है, आप बोर्ड में देख करके इसको नोट कर लें और इसे याद करने का प्रयास करें। पुनः आप लोग को कुछ और बाकी जो रह जाएगा वो और क्या कहते हैं, इसका आंकिक प्रश्न जो होता है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, जो उसको पार्ट 2 में आप लोग को बताया जाएगा। धन्यवाद।